सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोग के लिए, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो उस वीडियो में हम एक मोबाइल के स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू, फुल रिव्यू होगी, और इसमें हम उसके बारे में बताएंगे कि ये मोबाइल कैसे आप लोग को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इसका प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा जा कर के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस मोबाइल की फ़ीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल है वो सैमसंग गैलेक्सी F62 है, जैसा कि आप लोग तो थंबनेल पे देख ही लिया होगा, वैसे तो फिर भी मैं बता दिया, सैमसंग गैलेक्सी F62 जो कि बहुत अच्छा है ये मोबाइल। और आप लोग अगर गेमिंग के लिए ये मोबाइल ढूंढ रहे तो ये और भी अच्छा होने वाली है। और चलिए हम एक एक करके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम रैम के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके रैम और इस इंटरनल स्टोरेज को देखते हैं। तो रैम जो है ना, आपको 6GB रैम देखने को मिल जाए, जो कि बहुत अच्छा है। 6GB रैम अगर आप लोग गेम वेम खेलते हो, थोड़ा बहुत पबजी खेलते हो, या तो कॉल ऑफ ड्यूटी, या तो कुछ भी अगर गेम खेलते हो ना, दामी छोटा मोटा कैंडी क्रश, संडी क्रश, तो कोई भी खेलता है, वो सब करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग बहुत बड़ा बड़ा अगर गेम खेलते हो ना, फिर भी इस मोबाइल में ना सपोर्ट करेगा, क्योंकि 6GB रैम है, जो कि बहुत अच्छा से चलेगा। कोई लैग वैग, हैंग वैंग आपको कोई देखने को प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, ऐसा कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है। 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। 128GB जो कि आप लोग कितना भी अगर फोटो वोटो खींचोगे कुछ नहीं होने वाला है। स्टोरेज तो आप बिंदास आप जो करना है कीजिए, फोटो खींचिए जो करना है कीजिए, और आप लोग फोटो खींचोगे तो एक अच्छा सा कैमरा तो चाहिए, तो इस मोबाइल में वो कैमरा भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जो कि ना आप लोग अगर फोटो के दीवाने हो ना, तो ये आप लोग मोबाइल ले सकते हो, पता है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसको फोटो इससे बहुत अच्छा आता है। 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। 64 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का आपको चार कैमरा देखने को मिल जाए, एक 64, दूसरा 12, तीसरा 5 मेगापिक्सल, चौथा 5 मेगापिक्सल, तो आपको चार कैमरा देखने को मिल जाएगा। आगे में भी एक आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा है, सबको ही आजकल तो फोटो लेना हर एक जगह में पसंद है, खास करके लड़की और लड़के को दोनों को ही। तो 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है, और 10x जूम के साथ, जो कि आप दूर के भी, जितने भी दूर के ना ऑब्जेक्ट को ना आप अपने सामने ला सकते हो और क्लिक कर सकते हो फोटो, और फोटो जो होता है ना HDR प्रोसेस के साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। HDR प्रोसेस जो कि क्लिक बहुत अच्छा करता है। और डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं कि ये मोबाइल कितना बड़ा है, तो 6.7 इंचेस का ये मोबाइल है, जो कि बहुत बड़ा है ये मोबाइल, 6.7 इंचेस, जो कि बहुत अच्छा है। और बड़ा मोबाइल है, थोड़ा मोटा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका 7000 mAh बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा है, 7000, जो कि आप लोग अगर चलाते भी रहे ना, दो दिन तक गेम आप आराम से खेल सकते हो, दो दिन तक। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, नहीं, दो दिन तक ये लॉन्ग लास्टिंग करता है ना ये बैटरी, 7000, इसलिए तो इसको बनाया गया है। तो 7000 है, 25 वाट से ये चार्ज होता है, जो कि बहुत जल्दी फास्ट चार्ज हो जाता है, जो कि 1 hour 50 minutes में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। ये 7000 है बोल के 1 hour 50 watt लग रहा है, अगर यही ना, अगर सोचिए कि 5000 mAh का बैटरी होता, तो 1 hour ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1 hour 50 minutes में ये पूरा फुल हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। डुअल स्पीकर के साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों से आवाज़ आएगी, अगर आप लोग वीडियो सुनोगे ना, तो ऊपर से भी आवाज़ आएगी, नीचे से भी आवाज़ आएगी। और बाकी फ़ोन में क्या होता है कि ऊपर से आवाज़ नहीं आता, सिर्फ नीचे से आता है, जो मोबाइल के सिर्फ नीचे वाले पार्ट से आता है, पर इसमें आपको दोनों साइड से आएगी। 3.5 mm का आप लोग ऑडियो जैक लगा सकते हैं, और टाइप सी वाला ये चार्जिंग है, जो कि बहुत अच्छा है। टाइप सी का आजकल तो बहुत चल रहा है ना, तो आप लोग को भी तो टाइप सी अच्छा ही लगता होगा, तो ये टाइप सी इसमें आपको देखने को मिल जाए। आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मोबाइल के साइड में होगा, जैसे ये मोबाइल हो गया ना, तो मोबाइल के साइड में होगा, जहाँ से आप लोग पावर ऑन ऑफ करते हो उधर में होगा, जो कि बहुत अच्छा है। बटन में आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा बना दिया, ये टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है ना, क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा अच्छा ये फ़ोन निकाल दिया, ये कम दाम में अच्छा मोबाइल निकाला है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना, तो ये ले सकते हैं। उसके बाद और हम इस मोबाइल की वेट के बारे में बात करें, ये कितना भारी है, थोड़ा तो भारी होगा ही, क्योंकि 7000 mAh का बैटरी है, तो 218 ग्राम का है, जो कि बाकी मोबाइल 200 ग्राम की होती है, ये 218 ग्राम है, बस 18 ग्राम ज़्यादा है।
तो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा भारी है, वो आप लोग अगर उठाएंगे इधर उधर करेंगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग को अच्छा ही लगेगा। और थिकनेस की बात करें तो 9.5 mm का, जो कि थोड़ा मोटा है, तो मैं सच बता दिया हूँ कि थोड़ा मोटा है ये मोबाइल बाकी मोबाइल के मुकाबले, क्योंकि 7000 का mAh है इसीलिए। और अगर आप लोग गेम खेलते हो तो कुछ अच्छा सा प्रोसेसर तो चाहिए, बहुत अच्छा इसमें प्रोसेसर भी दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है इसका प्रोसेसर। और उसके बाद आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप लोग कितना भी अगर फास्ट अगर मूविंग करोगे ना गेम्स खेलते समय में, तो उस टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, स्लो टच का कोई बात नहीं आएगा। 60Hz का है जो कि नॉर्मल फोन में 30Hz होता है, पर इसमें 60Hz है। अगर और आप अगर ज़्यादा का खरीदना चाहे तो 120Hz का भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आप खरीद सकते हैं, या तो ये 60Hz का है जो कि ठीक ही है, जो कि ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा। और गोरिल्ला 3 का आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाए, यानी कि अगर मोबाइल आपका हाथ से गलती से गिर भी जाए ना तो आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, डिस्प्ले फटेगा ही नहीं, ये मेरा गारंटी है। बैक जो है पीछे का वो प्लास्टिक से ही बना हुआ है, तो और इसमें आपको 3 कलर देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा कलर है। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इसका कलर के मामले में ठीक ही है, उतना तो खास नहीं है फिर भी ठीक ही है, और थोड़ा डिज़ाइन हमको उतना अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है। और एंड्रॉयड आपको 11 वर्जन का देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा है, एंड्रॉयड 11 जो कि बहुत अच्छा होता है। और आपका मोबाइल तो हैंग नहीं मारेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो ये मोबाइल सबसे बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला बैटरी है, 7000 mAh का बैटरी है, 6GB रैम है, 120GB इंटरनल स्टोरेज है, और कैमरे के लिए तो 64MP का कैमरा है, आगे का 32MP का है, 10W से जूम होता है जो कि बहुत अच्छा है। ये सब जो फीचर्स है ना इस रेंज में ठीक है, मतलब तो उतना अच्छा नहीं पर ठीक है। अगर आप लोग ना लेते हैं तो आपको बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी हम बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक ये बैक कवर देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे उसका कैमरा, वो जो बैक कवर का क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद हम आपको मोबाइल देखने को मिल जाएगा और एक पिन दे दिया जाएगा जिसकी वजह से आप अपना ना सिम और SD कार्ड को निकाल या तो घुसा सकते हैं, तो 2 सिम 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हैं। 4G मोबाइल है जो कि 5G नहीं है, 4G है। उसके बाद आपको डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा है, मतलब उतना भी अच्छा नहीं फिर भी ठीक ठाक है। और इसमें आपको एक चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि टाइप सी का चार्जिंग सपोर्ट करेगा और 25W से जो चार्ज करता है जो कि बहुत अच्छा है, 25W आप लोग खुद सोचिए, जो कि बहुत फास्ट चार्ज करता है। और उसके बाद आपको यही सब देखने को मिलेगा, 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, तो यही सब आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स, फैसिलिटी और स्पेसिफिकेशंस। तो आप लोग को अगर कुछ और भी अगर इससे अगर कुछ दूसरा अगर नॉलेज चाहिए या तो आगे आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप जस्ट कॉमेंट कीजिए, और कुछ भी खराबी लगा जस्ट कॉमेंट कर दीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द आप लोग को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द लेके आएंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और एक वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कब से मैं बता रहा हूँ भाई, एक तो लाइक कर ही दीजिए। और ठीक है, आज के लिए बाय बाय।